सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके फिर क्लास जाती थी। उसके बाद मेरी क्लास लगभग 6 घंटे के आसपास होती थी। उसके बाद मैं लंच करती थी। उसके बाद जो क्लास में जो भी सर पढ़ाते थे वो सब रिवाइज करती थी। उसके बाद उसको मॉड्यूल से भी कर लेती थी। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सर क्वेश्चन क्लास में करवाते थे वो वापस से करती थी। उसके बाद उसकी अगर मुझे कोई और बुक करनी होती थी वो कर लेती थी, बट उसकी नीड नहीं थी। वो मैं ऐसे मतलब उस सब चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाती थी, उससे बोर हो जाती थी, तो इस वजह से करती थी। उसके बाद जो टेस्ट पैटर्न जो एलन का था उसमें जो प्रीवियस यूनिट आनी होती थी वो एक बार रिवाइज कर लेती थी। मतलब 3 वीक्स में टेस्ट होते थे, तो फिर मैं शुरू के 2 वीक्स में एक बार पूरा सिलेबस कर लेती थी। उसके बाद लास्ट में एक बार 2 बार कर देती थी। ये मेरा डेली रूटीन। अगर आप परेशान होकर पढ़ोगे तो आपको, बेटा देखो, आपको सबसे पहले तो ये समझो, कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को मतलब मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। ये 100% श्योर है सिलेक्शन होगा, ठीक है? आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, सिचुएशन खराब हो सकती है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहां हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आज से 4 महीने बाद आप कहां होगे, ये समझ लो ध्यान से। जब एग्जाम आएगा आपके सामने, आप एग्जाम के सामने खड़े होगे, आपने कितना पढ़ लिया, कितना रिवाइज कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्या नहीं करना, बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया पे नहीं देना। दूसरा आपने क्या नहीं करना बेटा, अपने अपने टाइम वेस्ट जो बीच बीच में छोटे छोटे होते हैं वो खत्म कर दो। ये वाली बातें मत करो कि मैं दिन में पढ़ नहीं पाता हूं, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है। बस अपने आप को मोटिवेट करो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय देना है। खुश रहो, मतलब टाइम को मैनेज करो, बस कोई दिक्कत नहीं है, होने लगे।